हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, बहुत दिन से वीडियो नहीं बनी थी। तो गाइज, अभी हम बागर के बनास के बगल में यहाँ पर एक सूर्य मंदिर है, सो वहीं आज दिखाऊंगा। सो ब्लॉग में बने रहे। और यहाँ पर छठ के वक्त और यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन बहुत, तो ये देखिए, ये इधर बहुत भीड़ लगती है मेले में। और ये देखिए, ये है मंदिर। सो चलिए, मंदिर के मैं जा कर के दिखा दे रहा हूँ। तो ये मंदिर आपको बता दे कहाँ पड़ता है। तो ये मंदिर, तो ये गाइस पीरो से लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है ये बागर। और ये बागर से थोड़ा दूर यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर ये स्थित है, और गढ़ानी से लगभग 40 किलोमीटर। तो चलिए आपको देखते हैं। तो चलिए गाइस, और यहाँ है गेट, मेन गेट। और ये देखिए, ये है सूर्य मंदिर। 24 लोक है, और ये देखिए घंटी है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये सूर्य मंदिर है। ये अभी गेट लॉक है, पता नहीं है कब खुलता है। मैं अभी आया हूँ तो बंद है। ये सूर्य आए और 7 घोड़े दिखाई दे रहा है। सो अभी ये बंद है। तो ये देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ उधर से। ये देखिए, और ये देखिए भूमि दाता का नाम यहाँ पर है। तो ये जो जमीन दी है, तो रामचंद्र राय ये शिक्षक थे, और इसकी धर्मपत्नी श्रीमती लालमती देवी। और यहाँ पर देखिए, ये जो मतलब कि दान किए हैं इस मंदिर में, तो उसका नाम है और उसका गांव का नाम है। और ये देखिए, ये बाहर का नज़ारा। तो गाई जी, ये देखिए पीछे यहाँ पर तुलसी जी का एक पौधा है। और बस आपको दिखा दें, यहाँ पर भी एक पीछे से भी गेट है और एक आगे से भी। ये अभी बंद है। तो चलिए, यहाँ पर एक ऊपर जाने का गेट है। यहाँ पर तीन मंजिल तक मंदिर है, तो आपको ऊपर भी ले चल के दिखाता हूँ। सो ये देखिए, यहाँ से सीढ़ी है, तो चलते हैं हम ऊपर और दिखाते हैं। और ये देखिए, चलिए मैं ऊपर जा रहा हूँ और दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये भी बंद है। ये माँ गायत्री का मंदिर है। तो ये दूसरे मंजिल पर स्थित है। और चलिए, तीसरे मंजिल पर आपको ले चलते हैं। ये भी बंद है, आपको नहीं दिखा पाए। तो चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और सीढ़ी है। तो चलिए ऊपर यहाँ से चलते हैं। और ये आ गए हैं हम तीसरे मंजिल पर। तो ये भी बंद है गाइज, तो आप लोग का अंदर से नहीं दिखा पाए। तो लेकिन यही है मंदिर, देख सकते। और इस मंदिर में जो तीसरे वाला पर स्थित है, तो इस पर राधा कृष्ण का मूर्ति बना हुआ है। तो बस यही है, तीनों का तीनों गेट बंद है, तो आप लोग का नहीं दिखा पाए। चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर मेला ज़्यादातर भीड़ कब लगता है, छठ के टाइम पर एक, और दूसरा मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर बहुत भीड़ लगता है। तो गाइस, यहाँ पर से देख सकते हैं, ये पूरा ये गांव है ये। और ये जो ये टावर दिखाई दे रहा है, सो ये बागर गांव है। तो गांव से बहुत दूर नहीं है, बस लगभग 200 या 100 मीटर की दूरी पर होगा। और यहाँ पर देखिए, ये पेड़, ये सब, ये गाइस रहा, ये देखिए पीछे पेड़। और इधर ये पूरा भर जाता है छठ के वक्त, और काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है मेले के दिन। सो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देख लेना, बहुत ही अच्छा जगह है। और ये देखिए, एक मंदिर जैसा बना है। सो इधर एक पुआल रखा हुआ है। सो यहाँ पर डांस होता है, अगर आप आते हैं मेले में तो यहाँ पर डांस दे सकते हैं। और इधर पूरा मेला लगा रहता है, बहुत भीड़ होता है। तो देखिए गाड़ी जा रही है, तो ये चल जाएगा मुफ्ती। और ये जो इधर रहता है, तो ये चल जाएगा गढ़हनी। इधर देखिए,
इधर बहुत ही भीड़ लग जाता है मेले के वक्त इधर। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर के आकर के, लेकिन आप लोग को नहीं दिखा पाए क्योंकि ये गेट बंद हो चुका है, पता नहीं दोपहर के बंद था, शायद कोई पूजा करने वाला नहीं आता है इसीलिए बंद हो जाता है, कोई बात नहीं। और एक यहाँ पर बागर में दो ठो सूर्य मंदिर है। सो ये रहा पाला।